इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखेंगे ऑन द प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर टेम्परेचर या तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रभाव जो पादपों पर पड़ता है वह है इफ़ेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाओं पर प्रभाव। पेड़ पौधे में होने वाली सभी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वह जनरली एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वह कार्य करता है। इसके साथ ही पौधे में होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर तापक्रम का पूर्ण प्रभाव देखा गया है, क्योंकि समस्त जो क्रियाएं हैं वो एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होती है, और एंजाइम्स विभिन्न रासायनिक क्रिया को एक निश्चित तापक्रम सीमा पर ही संचारित कर सकते हैं। अगर उस तापक्रम में बदलाव आ जाता है तो एंजाइम्स वह क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही क्रियाएँ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है, अतः तापक्रम में बदलाव के साथ ही प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की दर भी परिवर्तित हो जाती है। तो पहले जो पहला प्रभाव हम देखते हैं टेम्परेचर का प्लांट्स पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है तापक्रम का, तो सबसे मुख्य है कि पादप की जो मुख्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं, वह इससे पूर्णतः प्रभावित होती है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब एंजाइम की उपस्थिति में होती है। एंजाइम उसमें एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और ये हमने पढ़ रखा है कि एंजाइम मुख्यतया एक निश्चित तापक्रम पर, उसकी एक ऑप्टिमल रेंज होती है जिसके ऊपर वह अपना कार्य संपन्न करता है। तो जैसे ही तापक्रम में बदलाव होगा, एंजाइम की जो क्रियाएं हैं और उस पर बेस्ड जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, वह प्रभावित होगी। इसी तरह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, यह भी तापमान पर निर्धारित करती हैं। जो दूसरा प्रभाव पड़ता है तापक्रम का वह है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तापक्रम का प्रत्यक्ष प्रभाव वायुमंडलीय आर्द्रता पर देखा जा सकता है। अधिक तापमान पर क्या होता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता और निम्न तापक्रम पर आर्द्रता अधिक हो जाती है। यह वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तापक्रम का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है वाष्पोत्सर्जन की दर पर। अगर तापक्रम ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, क्योंकि जो अर्थ जो पत्ती की जो सरफेस है वह ड्राई रहती है। इसी तरह अगर तापक्रम कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्योंकि वातावरण में नमी बनी रहती है। इस तरह से अधिक आर्द्रता में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, और तापक्रम का वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर भी बढ़ जाती है, और तापमान में गिरावट से वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। तो इसी क्रम में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वह फिर इन टर्न किसको प्रभावित करती है, एसेंट ऑफ सेप को प्रभावित करती है। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, पौधों में रसारोहण, जो जड़ अवशोषित करती है और उसका पत्तियों तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एसेंट ऑफ सेप कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की अधिकता से रसारोहण की दर भी तेज हो जाती है, और कहने का मतलब ये है कि तापक्रम की वृद्धि और कमी पादप में दो मुख्य प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को और एसेंट ऑफ सेप को। सेप कितनी गति से ऊपर चढ़ेगा पादप में, इसको ये दो प्रक्रियाएं जो मुख्य प्रक्रियाएं पादप में हैं उसको तापक्रम की दर प्रभावित करती है। उच्च तापक्रम और निम्न तापक्रम पे इन दोनों जो प्रक्रियाएं हैं इसकी दर में कमी और अधिकता आ जाती है। तीसरा मुख्य प्रभाव जो हम देखते हैं कि तापक्रम का पादप पर पड़ता है वह है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। यद्यपि विभिन्न पादप प्रजातियों में तापमान सहनशीलता की सीमा अलग अलग होती है, फिर भी जैसा हमने देखा है
कि एक रेंज होती है जिसके अंदर वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और स्थलीय पौधों में यह देखा गया है कि इसमें जड़ों के द्वारा जल का सर्वाधिक अवशोषण 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अगर तापमान 20 डिग्री से कम और 30 डिग्री से अधिक हो तो अवशोषण की दर में कमी हो जाती है। यह पृथ्वी से जल को या अन्य मिनरल्स को अवशोषित करने में इसकी दर में जो है वह कमी आ जाती है। अगर तापमान बहुत अधिक कम है, मतलब जैसे कि 0 डिग्री के आसपास है, तो यह अवशोषण रुक जाता है और हिमबिंदु के पास पहुंचने पर जो जल की श्यानता में बदलाव आने से यह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। जब जो जल है वह द्रव्य रूप में नहीं प्राप्त होगा पादप को, तब उसकी जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती है। अगर बर्फ़ के रूप में है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो सारी सफ़र करती हैं, बाधित होती हैं। जमाव बिंदु पर मृदा का जो जल है वह भी बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, इसीलिए जड़ों द्वारा इसका अवशोषण नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से बर्फीले स्थान कारीकी रूप से शुष्क होते हैं, फिजियोलॉजिकली वह ड्राई होते हैं, क्योंकि किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर का लिक्विड फॉर्म में होना अत्यंत आवश्यक है। वाटर वहाँ पर होता तो है पर वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस के रूप में होता है, बर्फ़ के रूप में होता है, इसीलिए वह बर्फ़ वाला जो बर्फ़ जो है उसको पादप की जड़ें अवशोषित नहीं कर सकती है, तो उसकी जल की कमी हो जाती है पादप के अंदर और वहाँ पर फिजियोलॉजिकली ड्राई एरिया उसको माना जाता है और पादप वहाँ पर अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं, वह शुष्क एरिया कहलाता है। तो अवशोषण क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा, मृदा के अंदर जो उपस्थित जल है उसका अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा। यह बेस्ट होता है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर, इसके बीच में। अगर तापमान 20 डिग्री से कम है और 30 डिग्री से ज़्यादा है तब जड़ें जल को अवशोषित करने की जो दर है वह कम हो जाती है। अगर हम माने कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो मृदा का जल है वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, जमाव बिंदु आ जाएगा, वह बर्फ़ में परिवर्तित होते ही जड़ें उसे अवशोषित नहीं कर पाएगी और जो पौधे की दूसरी कार्य की प्रक्रिया जो है वह बाधित हो जाएगी। तो इस तरह से जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है वहाँ वाटर होता तो है बट वह सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर जो है उस एरिया को फिजियोलॉजिकली ड्राई एरिया कहा जाता है। वहाँ पर पारिस्थितिकी दृष्टि से वह ड्राई एरिया कहलाता है क्योंकि वहाँ पर पादप अच्छे से नहीं पनपते हैं। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती है जहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा हमने देखा था बैक्टीरिया में जो कि 100 डिग्री अबोव भी सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ लाइकेंस एल्गीज मोसेस होती है वो 0 डिग्री में भी सर्वाइव कर पाती है, पर जो बेसिक जो वेजिटेशन है वह वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फोर्थ नंबर पे आता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस। विभिन्न पादप प्रजातियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संचालित करने के लिए अलग अलग तापमान उपयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के संचालन हेतु अनुकूलतम तापमान श्वसन क्रिया की तुलना में कम होता है। ऐसी स्थिति में यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए आवश्यक अनुकूलतम तापमान से भी अधिक ताप कम हो जावे तो श्वसन क्रिया और ऊर्जा संचय का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ पौधों में कभी कभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसको भी तापमान के द्वारा प्रभावित होना बताया गया है। यह प्रक्रिया भी तापमान के द्वारा प्रभावित होती है और हर पादप में यह अलग अलग टेम्परेचर पर सक्रिय होता है। प्रकाश संश्लेषण को करने की जो एक निश्चित तापक्रम है वह अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर अनुकूलतम जो तापमान है वह श्वसन के लिए जो तापमान है उससे थोड़ा सा कम होता है, उसकी तुलना में यहाँ के टेम्परेचर जो है वह थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए अगर जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए उससे अधिक तापक्रम हो जाता है तो श्वसन की क्रिया होने लग जाती है और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो श्वसन की क्रिया में और फोटोसिंथेसिस में जो संतुलन होता है वह गड़बड़ हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और इसी वजह से कुछ जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। उसमें श्वसन की क्रिया तो प्रारंभ हो जाती है परंतु फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो वह जर्मिनेट
नहीं कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर भी तापक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह किस तरह से पड़ता है कि पौधा श्वसन करे या प्रकाश संश्लेषण करे, इसके बीच में जो डिफरेंस है वह बहुत डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस समय। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो टेम्परेचर है वह श्वसन के लिए जो तापमान है उससे थोड़ा सा कम होता है। अगर तापमान बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पर श्वसन होता है, और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री से 35 डिग्री तक का जो तापमान है वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उचित रहता है। जनरली कुछ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिकांश पौधों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे रेंज तो काफ़ी है, 5 डिग्री से ही शुरू हो जाती है, परंतु जो उचित तापक्रम है वह है 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ताप की वृद्धि के साथ ही इसकी वृद्धि दुगुनी हो जाती है। जैसे जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है उस तरह से इसमें जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रोसेस डबल हो जाती है। फिर भी तापक्रम के अनुरूप यह वृद्धि दर केवल 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बरकरार रह पाती है। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद अगर 20 डिग्री हो गया तापक्रम तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वह दुगनी हो जाएगी। उससे अगर 30 डिग्री हो जाता है तो और दुगनी दर हो जाती है, और 30 से 40 तक आते आते वह और अधिक हो जाती है। परंतु 40 पर यह प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। 40 से अधिक तापक्रम होने पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम होने पर फिर यह प्रक्रिया प्रभावित होती है, और इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की में वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद इसमें तेज़ी से गिरावट होती है। मतलब 5 डिग्री से नीचे और 40 डिग्री से ऊपर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम होती है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके लिए वह है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो प्रकाश संश्लेषण की दर है इस तापक्रम के परे यह गिरावट शून्य तक भी हो सकती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि अधिक तापमान में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो एंजाइम्स है वह नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो पादप प्रजातियां हैं जैसे शंकुधारी वृक्ष, वो अति न्यून तापक्रम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शैवाल और जो मरुद्भिद पादप है वह अति उच्च तापक्रम पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं जैसे कॉनिफर्स है, वहाँ पर कई बार स्नोफॉल हो जाता है, बर्फ हो जाती है तो तापक्रम गिर जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहाँ भी जारी रहती है, परंतु उसकी जो दर है वह कम हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ शैवाल हैं जो उच्च तापक्रम पर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेती है, पर जो जनरल प्लांट्स हैं सामान्यतः पौधों में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। 5 डिग्री से कम और 40 डिग्री से अधिक पर यह प्रक्रियाएं नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि इसके प्रक्रिया में जो काम आने वाले एंजाइम्स हैं उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया, जिसके ऊपर की तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। श्वसन क्रिया पर तापक्रम का प्रभाव प्रायः 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में देखा जाता है, पर लेकिन 40 डिग्री से ऊपर होने पर जो श्वसन में काम आने वाले एंजाइम्स है वो विकृत हो जाते हैं और पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया में गिरावट आ जाती है। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है श्वसन की दर भी घटती जाती है। वहीं दूसरी ओर निम्न तापक्रम 0 डिग्री के आसपास जो है वहाँ पर श्वसन की दर भी अधिक कम हो जाती है। यद्यपि कुछ जो पौधे हैं वह कम तापमान पर भी श्वसन क्रिया जारी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होगा, होने को सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है, पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात है, एक अनुकूल तापक्रम की बात है जिस पर सामान्य यापन, जीवन यापन या जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वह पूरी की जा सकती है। वॉन्टहॉफ्ट के अनुसार यदि अन्य कारक अनुकूल हो तो अनुकूलतम तापमान से भी 10 डिग्री अधिक की बढ़ोतरी देने पर श्वसन की दर दुगुनी हो जाती है। ऐसा माना जाता है वॉन्टहॉफ्ट के अनुसार कि अगर सारे फैक्टर्स ऑप्टिमम हो, कुछ भी कमी नहीं हो, कुछ भी कम ज़्यादा ना हो, तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी श्वसन की दर रेगुलराइज की जा सकती है, उसमें निरंतरता पाई जा सकती है, उसकी दर में वृद्धि की जा सकती है। तो द मेन फैक्टर इज़ कि श्वसन में भी एंजाइम
जो इन्वॉल्व होते हैं वह एंजाइम अधिक उच्च और निम्न तापक्रम पर कार्य करने में वह कार्य नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये प्रक्रियाएं नहीं हो पाती है। सिक्स्थ पॉइंट है वर्नलाइजेशन या वासंतीकरण। विभिन्न पौधों में निश्चित अवधि के लिए निश्चित ताप की उपलब्धता में ही पुष्पन होता है। हर एक प्लांट में एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी समय उसमें फ्लावरिंग पाई जाती है, उसमें पुष्पन होता है। यदि बीज की बुवाई से पूर्व इनको एक विशेष तापक्रम पर उपचारित किया जाए तो ऐसे पौधे में समय से पहले ही पुष्प निर्माण हो जाता है। मतलब अगर सीड को पहले ही हीट ट्रीटमेंट दे दिया जाए, बीज को उगाने से पहले उसको उपचारित कर दिया जाए, उसको हीट ट्रीटमेंट दे दिया जाए, उसके तापक्रम पर उपचारित कर लें विशेष तापक्रम पर, तो उसमें पुष्प निर्माण की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। यह जो प्रोसेस होती है पुष्पीकरण की, इसको वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण कहते हैं। लाइसेंको के अनुसार इस प्रभाव की व्याख्या, उन्होंने सबसे पहले इस प्रभाव की व्याख्या की थी कि ऐसी भी कोई प्रोसेस होती है। धान्य पौधों की कुछ प्रजातियों में ऐसा देखा गया है कि यदि इनके बीज को वसंत ऋतु में बोया जाए तो उनका यछोत और उनका प्रॉपर अंकुरण हो जाए, तो यह कि जो कायिक अवस्था है जब तक शरद ऋतु के न्यून तापक्रम पर एक्सपोज नहीं हो जाती तब तक कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज़रूरी होता है, ये हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी पढ़ा था। जहाँ पर लाइट हमने पढ़ी थी वहाँ फोटो पीरियडिज्म पढ़ा था, यहाँ पे हम वर्नलाइजेशन पढ़ रहे हैं। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब अगर किसी पादप को किसी भी ऋतु में उगाया जाए परंतु उसके पास अगर न्यूनतम तापमान उसको जितना आवश्यक है अगर वो सीज़न से नहीं गुजरता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगी, कायिक वृद्धि तो हो जाएगी, परंतु फ्लावर पुष्पीकरण नहीं होता है, पुष्प निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार से कैसा अपन कह सकते हैं कि न्यून तापमान पौधों के पुष्प निर्माण के लिए एक स्टिमुलस का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है, और इस तापक्रम का विभिन्न पौधों में उनके फ्लावर बनने की प्रक्रिया पर, पुष्प निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित तापक्रम है वह एक ट्रिगर का काम करता है, वह पुष्प निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाता है। द सेवेंथ पॉइंट इज गति या मूवमेंट। तापमान के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप विभिन्न पौधों में अनेक प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। कई प्लांट्स में कई तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं कि जिसको थर्मोटैक्सिस कहा जाता है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास के जो कशाभिकाएँ हैं उनकी गतिशीलता, ट्यूलिप और क्रोकस में जो उपयुक्त तापक्रम पर पुष्प के दल पत्रों का खुलना व बंद होना, थर्मोनेस्टी, थर्मोटैक्सिस इत्यादि जो है ये सब गति हैं जो पादपों के अंदर पाई जाती है और ये तापमान के द्वारा निर्धारित की जाती है, संचालित की जाती है। नेक्स्ट है मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिज अवशोषण। सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे आवश्यक खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या ऊर्जा काम में ली जाती है, यह जो प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा तापक्रम पर निर्भर करती है। यदि पौधे को लंबे समय तक कम तापक्रम पर रखा जाए तो कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है और सक्रिय अवशोषण नहीं हो पाता है। इसके कारण पौधे में खनिज तत्व की कमी भी आ जाती है। खनिज तत्व है जनरली जो है प्लांट्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। दो तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, दो तरह के अवशोषण होते हैं पादप में, सक्रिय और अक्रिय, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी का यूज़ होता है, एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो कितने एटीपी लगेंगे, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पादप को होगी इन सब मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, खनिज अवशोषण के लिए, यह तापक्रम निर्धारित करता है। तो जब अगर पौधे को कम तापक्रम पर रखा जाता है, धूप में नहीं रखा जाता है, छाया में रखा जाता है या कम तापक्रम के अंदर रखा जाता है, तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जब ऊर्जा नहीं होगी तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्लांट्स को मिनरल्स अवेलेबल नहीं होंगे, उन्हें मिनरल्स प्राप्त नहीं होंगे। इसकी वजह से पादप के अंदर मिनरल की
कमी आ जाती है और वो कई तरह की डिफिशियंसी शो करता है। उसके अंदर हमको सिम्टम दिख जाते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, टहनियाँ झुक जाती है, ब्रांचिंग नहीं होती है। दिस इज ऑल ड्यू टू द लेक ऑफ मिनरल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, हमने मुख्य मुख्य तो पढ़ ली थी, कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिसके हिसाब से, जिसके ऊपर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में जो उपलब्ध मृदा जल है उसकी जो श्यानता है वह तापमान के अनुसार से बदलती रहती है। जब तक कम तापमान होता है तो जल की श्यानता बढ़ जाती है, इससे जल अवशोषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो जल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जल में O2 और CO2 की जो डिज़ोल्व होती है वह भी, उसकी जो घुलनशीलता है वह भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब कम तापमान रहता है तो कोशिका द्रव्य इन गैसों को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है, अतः न्यून तापक्रम पर CO2 का स्थिरीकरण तेज़ी से होता है। इसके साथ ही जब कोशिका में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसके अतिरिक्त सीड जर्मिनेशन के लिए भी अनुकूल तापक्रम की ज़रूरत होती है और इस प्रक्रिया के लिए जो बेस्ट अनुकूलतम तापमान है वह है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतर पौधों में जो वृद्धि है वह भी 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होती है और बेस्ट जो वह ग्रो करते हैं हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर वह दुगुनी वृद्धि करने लग जाते हैं। 0 डिग्री पर और 40 डिग्री पर यह वृद्धि रुक जाती है। तो टेम्परेचर का अलग अलग चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहेगी, जो वाटर के अंदर जो वाटर जो रहता है सॉइल वाटर उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, उसकी श्यानता कब कम या ज़्यादा हो जाती है, सेल के अंदर CO2 फिक्सेशन पर फ़र्क पड़ता है, CO2 का स्थिरीकरण जो इससे है प्रभावित होता है, इसी तरह सीड के जर्मिनेशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो कई ऐसी दूसरी प्रक्रियाएं भी है जिसके ऊपर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन इज तापमान का जो प्रभाव है वह पादप की वृद्धि और परिवर्धन पर भी पड़ता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। तो अधिक व कम तापमानों दोनों का ही पेड़ पौधों की वृद्धि विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर जैसे पौधे में न्यून तापमान के कारण होने वाली क्षति निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो न्यून तापक्रम की मात्रा और अवधि कितनी है, तापमान में अचानक बदलाव आया है वह या वह न्यून तापमान कई समय के लिए मेंटेन्ड है, उत्तकों में खनिज पदार्थों एवं नमी की मात्रा में कमी और ज़्यादा हो जाती है और पौधे के अंदर अनुकूलन के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर का प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पादप की कई प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, कार्य की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। प्लांट के अंदर कितने ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रभावित करता है, उसके श्वसन को, प्रकाश संश्लेषण को, अवशोषण को, वाष्पोत्सर्जन को, एसेंट ऑफ सेप को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और बीजों के अंकुरण को। कई ऐसी प्रोसेसेस है पादप की, सभी के ऊपर तापक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। अगर हम देखें कि हर एक प्रक्रिया के लिए एंजाइम निश्चित मात्रा में कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है और तापक्रम के हर एक एंजाइम का एक निश्चित अनुकूलतम तापक्रम होता है जिस पर वह कार्य करता है, तो तापक्रम का उच्च या निम्न होना पादप की विभिन्न कार्य की प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।